हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 2 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और जैसे कि आप ड्रेस का कलर देख रहे हो, ड्रेस का कलर है येलो और ब्लू। इस कलर में ड्रेस काफ़ी प्यारी लग रही है, लेकिन अगर आपको कोई भी कलर पसंद आए, आप उस कलर में ड्रेस को बना सकते हो और उसी साइज़ में ड्रेस को बना सकते हो जो भी आपके ठाकुर जी का साइज़ है। इसका पैटर्न काफ़ी सिंपल है, ठीक है, तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। चलिए तो मैं ड्रेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम 2 नंबर की चोली बना लेंगे, ठीक है। चोली बनाने के बाद में पहले हम 1 2 2 चैन बनाएंगे और सेम इसी चैन के अंदर हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया हो चुका है। नेक्स्ट चैन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया है सेम चैन में। नेक्स्ट में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी चैन में यानी सेम चैन में ये दूसरा डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमें फर्स्ट राउंड में सभी चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है और राउंड को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं राउंड को लास्ट में स्लिप स्टिच करके जोड़ लूँगी। तो राउंड हो चुका है कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट राउंड करूँगी यानी दूसरा। पहले 2 चैन बना लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चैन में हमें फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में हमें फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में फिर से 1 बार करेंगे, यानी कि हमें सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है और सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लिया। मैं राउंड को जोड़ लूँगी। अब मैं 1 2 2 चैन बनाऊँगी और सेम चैन के अंदर डबल क्रोशिया कर लूँगी। अब नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार। नेक्स्ट चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार। नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार और फिर से नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया करेंगे और इस चैन में हम करेंगे 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 2 बार कर लिया है मैंने। अब नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से 1 बार, फिर से नेक्स्ट चैन में 1 बार, यानी 3 चैन में 1 1 बार करना है और चौथी जो चैन है उसमें हमें करना है 2 बार, 1 और ये 2, ठीक है। फिर से 3 चैन में 1 1 बार करेंगे, चौथी चैन में 2 बार और इस तरह से मैं राउंड को कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो मैं दूसरी चैन में 1 बार हो गया, तीसरी चैन में 1 बार हो गया, अब चौथी चैन में 2 बार कर लेंगे और थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है और राउंड को जोड़ भी लिया है। अब मैं 2 चैन बनाऊंगी और सेम इसी चैन के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया कर लूँगी। नेक्स्ट चैन में हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और सेम चैन में 2। नेक्स्ट चैन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चैन में भी हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है, यानी 2 चैन में 1 1 बार और तीसरे चैन में 2 बार, ठीक है। इस तरह से हमें 4th राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो मैं 4th राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने 4th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको लास्ट में स्लिप स्टिच करके जोड़ लूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर येलो कलर का धागा ऐड कर लूँगी। तो अच्छे से हमें धागे को जोड़ लेना है, ठीक है। और फिर फर्स्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है, और थर्ड चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। 3 बार होने के बाद में अब हमें 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रोशिया हुक को निकाल लेंगे और जहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था उस चैन के अंदर क्रोशिया हुक को डाल करके और फिर इस धागे में डाल करके इस तरह से पिक कर लेंगे धागे को।
नेक्स्ट एक दो दो चैन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चैन छोड़ करके सेकंड वाली जो चैन है उसके अंदर से धागे को पिक करेंगे और फिर इस जो पांच जो चैन है उस चैन में से धागे को पिक करेंगे। तो क्रोशिया हुक में तीन धागे हो चुके हैं, अब फर्स्ट में से पिक करेंगे, देन सेकंड में से पिक करेंगे और ये लास्ट थर्ड में से पिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट वाला छोड़ करके सेकंड वाला जो देख रहे हो उसमें से धागे को पिक करेंगे, एक मिनट। ठीक है, इसमें से हम धागे को पिक कर लेंगे, नेक्स्ट वाले में से धागे को पिक कर लेंगे। तीन हो चुके हैं हमारे क्रोशिया हुक में लूप, अभी चौथा हमने चैन में से पिक किया है। तो इस बार चार होगी, पहले फर्स्ट में से पिक करेंगे, देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चार बार धागे में से निकाला है इस बार हमने, अब फिर से नेक्स्ट धागे में पिक करेंगे, फिर से धागे से पिक करेंगे। यहाँ तीन हो चुके हैं क्रोशिया हुक में लूप, अभी चौथा धागे में से पिक करेंगे, चार लूप हो चुके हैं, अभी चैन में से पिक करेंगे, यानी पांच हो चुके हैं। पहले एक से पिक करेंगे, दो तीन चार पांच, इस तरह से एक एक इंक्रीज होता हुआ जाएगा। फिर से धागे से पिक करेंगे, फिर से धागे से पिक करते हुए लूप लेंगे क्रोशिया हुक में। तीन हो चुके हैं क्रोशिया हुक में लूप, ये चौथा लूप हो चुका है क्रोशिया हुक में, अब ये पांचवा लूप हो चुका है और फिर हम चैन में से पिक करते हुए छठा लूप क्रोशिया हुक में ले लेंगे। फिर फर्स्ट में से पिक, सेकंड में से पिक, थर्ड में से पिक, फोर्थ में से पिक, फाइव में से पिक, ये सिक्स में से पिक। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट में धागे से पिक करते हुए जाएंगे क्रोशिया हुक में, लूप लेंगे, दो लूप हो चुके हैं क्रोशिया हुक में, तीसरा लूप क्रोशिया हुक में, चौथा लूप क्रोशिया हुक में, पांचवा लूप क्रोशिया हुक में और ये छठा लूप क्रोशिया हुक में। ठीक है, अब सातवां लेंगे चैन से, तो सातवां लूप भी ले लिया है। फिर से फर्स्ट में से पिक, सेकंड से पिक, थर्ड से पिक, फोर्थ से पिक, सेकंड से पिक। ठीक है, इस तरह से पिक करते जाएंगे, फाइव सिक्स सेवन में से पिक, फिर से लूप लेंगे, तीन लूप हो चुके हैं क्रोशिया हुक में, चार पाँच छ और ये सात और एक चैन में से लूप लेंगे तो आठ हो जाएंगे। अब फर्स्ट में से पिक, सेकंड में से पिक, थर्ड में से पिक, फोर्थ में से पिक, फाइव में से पिक, सिक्स से पिक, सेवन और एट, एट टाइम तक हमने पिक किया है। अब फिर से लूप लेंगे, दो लूप हो चुके हैं क्रोशिया हुक में, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, छठा लूप, सातवा लूप, आठवा लूप और नौ वाला लूप लेंगे हम चैन से। फर्स्ट में से पिक, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से पिक, सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, फिर से नेक्स्ट में से लूप लेंगे, फिर तीन लूप हो चुके हैं क्रोशिया हुक में, चौथा लूप हो चुका है, पांचवा लूप हो चुका है क्रोशिया हुक में, छठा लूप हो चुका है क्रोशिया हुक में, सातवा लूप हो चुका है क्रोशिया हुक में, आठवा, नौ लूप हो चुके हैं और ये दसवा चैन से हमने लूप ले लिया। फिर फर्स्ट में से पिक, सेकंड, थर्ड में से पिक, फोर्थ में से पिक, फिफ्थ में से पिक, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस बार टेन, टेन तक हमने पिक किया है। फिर से लूप लेंगे, क्रोशिया हुक में दो लूप हो चुके हैं,
ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठ, आठ लूप हो चुके हैं क्रोशक में, नौ, दस, और ये ग्यारहवा लूप हम चैन के अंदर से लेंगे और फिर फर्स्ट में से पिक, सेकंड, थर्ड, थर्ड में से पिक, फोर्थ में से, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन। तो ग्यारह बार तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमें बना लेना है, ठीक है। आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हो, मैंने यहाँ पर येलो कलर में बनाया है। और अब हम फर्स्ट में से पिक करेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर सेकंड में से पिक करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया नहीं, स्लिप स्टिच, और फिर थर्ड में से पिक करके स्लिप स्टिच कर लेंगे, फोर्थ में से पिक करके स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिफ्थ में से पिक करके स्लिप स्टिच कर लेंगे, सिक्स से पिक करके स्लिप स्टिच कर लेंगे, सेवन में से पिक करके स्लिप स्टिच कर लेंगे, एट में से पिक करेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे, ये नाइन, नाइन में से पिक करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, टेन से पिक करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, और ये अलेवन हमने करना है चैन के अंदर स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब उसके बाद में हमें जहाँ पर हमने चैन बनाई थी उसके नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चैन में यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया, तीन बार सिंगल क्रोशिया हमने फिर से किया है और फिर पांच बार चैन बनाएंगे। तो पांच बार चैन बना लिया है, अब क्रोशिया को निकाल करके फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चैन में हमें धागे को पिक कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दो चैन बनाएंगे, ठीक है। दो चैन बनाने के बाद में हमें फर्स्ट वाली चैन को छोड़ करके सेकंड वाली चैन है उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाली पत्ती में किया है, सेम इसी तरीके से हमें ये नेक्स्ट पत्ती को कंप्लीट कर लेना है। तो ये सब सेम साइज़ की ही बनानी है, यानी ग्यारह साइज़ तक ही हमें पत्ती को रखना है, ठीक है। तो हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और ये कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ये काफ़ी सुंदर लग रही है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे भी आपका मन है आप उस तरह से इसमें डेकोरेशन कर सकते हो। यहाँ पर हमारी ड्रेस हो चुकी है कम्प्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है और मेरे चैनल बेबी पारलानी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन है आप उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।